हेलो दोस्तों, एडगोवा किचन में आपका स्वागत है। आज मैं बनाऊंगी बनाना पैनकेक्स, यानी केड़ाची पोड़ी हम बोलते हैं इसे गोवा में। तो इसके लिए हमें 6 से 7 केले लेने हैं, राइप, पूरी तरह से पक चुके केले। ये हमको एक पैन में लेने हैं पिल करके, और इसे हम अच्छे से मैश करेंगे। और इसमें बाकी के जो, इसमें ज़्यादा इंग्रेडिएंट नहीं लगते, सिर्फ और 2 ही इंग्रेडिएंट लगेंगे, वो डाल के इसे डोसा जैसा बैटर बनाएंगे हम। तो आप, मेरी और भी रेसिपीज़ हैं बनानास के, राइप बनानास की और रॉ बनानास की भी, तो वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक दूंगी, तो आप जाके ज़रूर चेक करिएगा। गोवा की स्पेशलिटीज़ हैं जो भी है, वो आप ज़रूर चेक करिएगा। जैसे कि राइप बनानास की रेसिपीज़ हैं मेरी, मतलब बनाना फ्रिटर्स, उसको गोवा में मुड़ुक बोलते हैं, वो है। फिर शिकरण है, वो स्वीट डिश है। और रॉ बनानास की, जैसे कि कच्चे केले की सब्जी वगैरह, तो सभी जो वो रेसिपीज़ हैं 7-8 है, तो वो आप जाके देखिएगा। वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक दूंगी सभी रेसिपीज़ का, तो आप ज़रूर जाके चेक करिएगा। तो अभी ये जो है, मैं मैश कर रही हूँ, ये अच्छे से मैश करना है हमें। अगर आपके घर में ज़्यादा राइप केले हैं और अगर राइप हो रहे हैं, तो आप ये बना सकते हैं। इस तरह से आप 2 और चीज़ें बना सकते हैं, जैसे कि शिकरण और मुड़ुक। ये राइप बनानास की 2 डिशेस है, उसका लिंक मैंने दिया है, चेक करिएगा जाके। तो अच्छे से मैश करना है। आप चाहे तो मैशर से भी मैश कर सकते हैं, लेकिन मैं प्रेफर करती हूँ कि हाथ से ही मैश किया जाए। तो अभी मैं इसमें गुड़ डालूंगी। आप पाउडर्ड गुड़ डालें, या फिर जो अगर हार्ड है गुड़, तो वो पाउडर करके डालें। पाउडर्ड गुड़ भी बाजार में आसानी से मिलता है। तो पहले नमक, थोड़ा सा नमक हम नहीं डालेंगे, सिर्फ थोड़ा सा। लगभग 1 बड़ा कप आपको गुड़ इसमें डालना है, क्योंकि ये स्वीट जो रेसिपी है वो स्वीट है। या आप नाश्ते के तौर पे खा सकते हैं, या फिर बीच में भी कभी भी टिफ़िन में बच्चों को दे सकते हैं। और इसमें हमें डालना है थोड़ा थोड़ा करके गेहूं का आटा। तो लगभग 2 बड़े कप आपको गेहूं का आटा डालना पड़ेगा, और थोड़ा थोड़ा डालते डालते आपको मिक्स करते जाना है, और इसको आपको डोसे के बैटर जैसा बनाना है। अब ये हाथ से ही करें, क्योंकि नहीं तो वो बहुत लंपी हो जाता है। और थोड़ा थोड़ा पानी डालना है, थोड़ा पानी और बीच बीच में थोड़ा थोड़ा गेहूं का आटा। इस तरह से आपको ये बैटर बनाना है। ये इंस्टेंट रेसिपी है, इसमें कोई फर्मेंटेशन वगैरह नहीं है, और ये बेसिक जो है, इसमें एग का यूज़ नहीं है। ये वेज रेसिपी है, जो एग नहीं खाते उनके लिए बहुत अच्छी रेसिपी है, और बच्चों के लिए बहुत अच्छी रेसिपी है, हेल्दी रेसिपी है, क्योंकि केले में वैसे ही कैल्शियम, फॉस्फोरस वगैरह होता है ज़्यादा मात्रा में, तो बोन्स के लिए वगैरह ये अच्छा होता है, डाइजेशन के लिए भी अच्छा है। तो आप ये बच्चों को टिफिन में दे सकते हैं पैनकेक्स बना के।
तो अच्छे से अब पोहे मिक्स करना है, लंप नहीं होने चाहिए बीच बीच में। आप इसमें रवा भी डाल सकते हैं, सूजी, एक चम्मच सूजी भी डाल सकते हैं। इससे आपको वो फॉर्म मतलब बॉन्डिंग अच्छे होते हैं, वो जो बैटर है वो अच्छा अच्छे से बॉन्ड होता है, नहीं तो स्टिकी रहता है पैन को। तो आपको ये बनाते वक्त नॉनस्टिक पैन का ही यूज़ करना होता है। और ये आपको ज़्यादा बड़े नहीं डालने होते हैं, डोसा तो बहुत बड़ा होता है, ये आपको जितना हो सके उतना छोटे ही रखने हैं। तो देखिए ये बैटर तैयार है, ये देखिए ये इस तरह से फ्री फ्लोइंग होना है। इसमें लंप नहीं है, ये जो आपको ऐसे दिख रहा है ये केला है, ये जो फ्लोर का मतलब आटे का लंप्स नहीं है इसमें, सिर्फ जो केला है वो ऐसे दिख रहा है। तो अभी नॉनस्टिक पैन लेना है हमें और थोड़ा सा तेल डालना है, ऐसे स्प्रेड करना है क्योंकि ताकि वो चिपके ना पैन को, और सिर्फ बीच में थोड़ा सा बैटर डालना है। यह हमको स्प्रेड नहीं करना है ज़्यादा, सिर्फ बीच में थोड़ा सा डाल के वो ही फ्लिप करना है। देखिए इतना मैंने लिया और सिर्फ ऐसा डाला बीच में, इसको थोड़ा सा राउंड शेप दिया, काफ़ी है। और ये बाद में थोड़ी देर के बाद आप ढक सकते हैं, ढक के रखना है और जो फ्लेम है वो मीडियम रखनी है। तो ये 2 मिनट में ही होता है, इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता। से पहले देखना है कि ये निकल रहा है या नहीं, तो सभी साइड से ये पहले ऐसे निकाल के देखना है। ये फ्लिप करते वक्त बहुत डिफिकल्ट होता है, तो आप ध्यान रखें कि ये टूटे ना। तो मैं दूसरा जो ये होता है वो यूज़ करूँगी। ये देखिए फ्लिप किया मैंने, तो थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन करना है हमें ये। और सिर्फ थोड़ी देर के बाद रखने के बाद हमें ये निकालना है। तो मैं और एक डालूंगी। आपको ये लो टू मीडियम फ्लेम पे ही करना होता है क्योंकि ये पैन बहुत ज़्यादा गर्म होता है, अगर आपने हाई फ्लेम पे रखा तो जल जाएगा सारा आपका पैन केक। तो मैंने ये देखिए दूसरा जो उसको उलटना बोलते हैं मराठी में, या फिर हम यहाँ पे गोवा में, तो मैंने दूसरा यूज़ किया ताकि वो अच्छे से निकले। देखिए इस तरह से फ्लिप करना है हमें। तो बस दूसरी साइड पे फिर आधा मिनट ही हमें वो पकाना है। पहले इसे साइड से निकाल के हमें निकालना है। सिर्फ थोड़ा ही डालना है हमें क्योंकि ये स्प्रेड नहीं करना होता है।
हमारे पैनकेक्स रेडी हैं। आपको आज का वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा और हम चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ये पैनकेक्स आप बटर के साथ या फिर घी के साथ खा सकते हैं। और ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।